नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है राहुल टेक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बूट की तरफ से आने वाले एक वायरलेस हेडसेट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसके खास फीचर और सारी इसकी स्पेसिफिकेशन और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने इसको मंगाया है फ्लिपकार्ट से। आप देख सकते हैं पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया है, छोटे से बॉक्स में आ चुका है। तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो जो इस पे बॉक्स पे प्राइस लिखा है वो है 2,990 रुपये, बट ये मुझे पड़ा है 999 रुपीज़ में। ये ऑफ़र में पड़ा है। वैसे इसका जो रेगुलर प्राइस रहता है ऑफ़र में वो है 1,500 रुपये के आसपास। तो जब भी आपको ऑफ़र में 1,000 रुपये में ये मिलता है तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको जल्दी से बाय कर लीजिए। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं इस पैकेट से और फिर देखते हैं कैसा ये हमारा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ, इसको दिखा देता हूँ करके। तो सामने की तरफ लिखा है बूट रॉकर्स 255 वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट और नीचे लिखा है फ्यूल्ड बाय पैशन। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग में आया है। सामने की तरफ हमारे हेडसेट दिख रहे हैं और ऊपर बूट की ब्रांडिंग भी दी गई है। पीछे की तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे की तरफ क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पीछे की तरफ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो आप रोक के पढ़ सकते हैं। वही चीज़ लिखी है बूट की ब्रांडिंग और वही सब लिखे हैं। नीचे इसके कुछ खास फीचर दिए गए हैं जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस बॉक्स को खोल लेते हैं और इस बॉक्स में से अपने हेडसेट को बाहर निकालते हैं और देखते हैं किस तरह के हमारे हेडसेट हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है और इनका साउंड कैसा है। तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आता है और एक चीज़ का ध्यान रखें कि सील जब टूटी हुई हो तो प्रोडक्ट को ना ले, रिटर्न और रिप्लेस करा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा और काफ़ी सेफली हमारे ईयरफोन को पैक किया गया है। और इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। वाह दोस्तों, ये है हमारे हेडसेट और इसके अलावा कुछ भी नहीं है बॉक्स में। एक मिनट के लिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं इस पन्नी में क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, इस पन्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए, जैसे कि कुछ पेपर वर्क है और एक वायर है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो पैम्पलेट है इसके अंदर इनके प्रोडक्ट की जानकारी दी गई है, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और सारे प्रोडक्ट की जानकारी दी गई है। इसको साइड में रखते हैं। उसके अलावा एक वारंटी कार्ड है जिसके जरिए आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं अगर इसमें कोई दिक्कत आती है। उसके अलावा इसकी यूजर मैनुअल है जिसमें इस प्रोडक्ट की जानकारी दी गई है, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों, ईयर कप्स है। हर किसी का ईयर का जो साइज़ होता है अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से ये दिए गए हैं और जो भी आपको पसंद आए वो आप अपने कानों में फिट करके लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, ये है चार्जिंग केबल। चार्ज होने में इसको 1 से 1.5 घंटा लगता है और फुल चार्ज होने के बाद 70% वॉल्यूम पे ये चल जाता है कम से कम 7 से 8 घंटे, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ 4.1 है। इसका जो लुक है काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी जो इसकी वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों, वाटर रेजिस्टेंट है और जो इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक लॉक दिया गया है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है और दिखने में एकदम प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और इतना हैवी भी नहीं है। आप इसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं अपने कानों में और आपको कोई दर्द भी नहीं होगा। उसके अलावा बेस की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और इसका जो प्राइस है उस रेंज में ये 1,000 रुपये में बेस्ट है। दोस्तों, बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं बूट की ब्रांडिंग दी गई है। ओवरऑल दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है और इसका जो वायर है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों, बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। आप इसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे, 1 साल से 2 साल तक कहीं नहीं जाएगा, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। बैटरी भी काफ़ी बढ़िया है, 6 से 7 घंटे का आपको बैकअप दे देती है। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं दोस्तों जिनसे आप पावर ऑन ऑफ और इसको जो वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी हल्का है, आपको ज़्यादा हैवी फील नहीं करेगा। एक तरीके से नेक बैंड की तरह ही है बट थोड़ा अलग डिज़ाइन है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूं एक बार इसका डिज़ाइन कैसा। इसमें जो मैग्नेटिक लॉक है वो आसानी से लग जाता है और ये कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका वायर जो है काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी का वायर है और ये देखिए दोस्तों, जो इसका लॉक है उससे ही ऐसे चिपक जाते हैं और ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आपको कोई इससे बेस्ट लगता है इस रेंज में तो मुझे बताइए नीचे कमेंट करके, मैं वो बाय करूंगा और दोनों का कंपैरिजन करूंगा, तो देखेंगे कौन सा बेस्ट है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।